जुनेद नाश्ता लग गया है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अम्मी इस हद तक जा सकती मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अम्मा भी हमेशा हमें शिकायत लगाया करती थी कि शायद अम्मी ने उन्हें खाने में कुछ मिला दिया है, और हमें लगता था उनका वहम है। अगर हमने अम्मा भी की बात पर एतबार किया होता अम्मी की जगह, तो आज ऐसा ना होता। अब मैं अम्मा भी का ख्याल खुद रखूंगा, और अम्मी के सामने तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो उठो, नाश्ता कर लेते हैं, आ जाओ। कहाँ हूँ मैं? अपने घर में। ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर वो है जहां रुखसाना है। मत नाम लिए, उन्होंने आपको कत्ल करने की कोशिश की है। नहीं नहीं वो ऐसी नहीं, वो ऐसे क्यों करेगी? क्यों, उन्होंने आपको वहम में मुब्तला नहीं किया? उसमें भी मेरा ही कसूर था, मैं उस पे बहुतान लगाया करती थी, उस पे कीचड़ उछाला करती थी। वो तो बस ये चाहती थी कि लोग मेरी बात पर एतबार ना करें, मेरी बातों को वहम समझकर उसे उन्हें अहमियत ना दें। उसने मेरे साथ जो किया ना, वो ठीक किया, मैंने उसे माफ कर दिया। इसे भूल जाएं और सिर्फ इतना याद रखें अम्मा भी, कि उन्होंने आपको कत्ल करने की कोशिश की। नहीं खबर जी, यही सच है कि रुखसाना भाभी ने आपको गला खोट कर मारने की कोशिश की। ये शाजिया हैं, ये नर्स हैं, आसिया आपका ख्याल रखेंगे। शाजिया प्लीज। ये किस चीज का इंजेक्शन है? हम अभी आप बीमार हैं ना, तो इससे ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। कुछ याद आया आपको? आपको याद आ रहा है ना कि रुखसाना भाभी ने आपको कत्ल करने की कोशिश की? नहीं। जहन पर जोर डालें, याद करें कि किस तरह गला दबाकर वो आपको मारना चाह रही थी। शादिया। यस सर। एक चीज का ख्याल रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने किसी को भी अम्मा भी से मिलने नहीं देना। ओके सर। आप समझ रहे हैं ना? जी सर। थैंक यू।